हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार गठन की प्रक्रिया में अब जुट चुकी है। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला किया जाएगा और 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। लेकिन आपको बताएं कि बीजेपी ने यूं ही 17 अक्टूबर का दिन शपथ ग्रहण के लिए नहीं चुना, बल्कि इसके पीछे कई सोची समझी रणनीति है, जिसके जरिए पार्टी ने बड़ा सियासी संदेश देने का प्लान बनाया है। आपको बताएं कि ऋषि वाल्मीकि की जयंती भी 17 अक्टूबर 2024 को है। वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि जयंती को प्रगट दिवस के तौर पर मनाते हैं और इस खास मौके पर बीजेपी ने हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा है। साथ ही इस तरह बीजेपी ने दलित समुदाय को संदेश देने की रणनीति बनाई है। हरियाणा की नायब सरकार ने पहले ही वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रखा है। हरियाणा में इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दलित वोटों को लेकर शहमात का खेल देखने को मिला था। बीजेपी ने कुमारी सैलजा का मुद्दा बनाकर दलित स्वाभिमान को जोड़ दिया था और कांग्रेस को दलित विरोधी कटघरे में खड़ी करती नजर आई थी। इसका चुनावी लाभ तो बीजेपी को मिला ही, साथ ही बीजेपी ने वाल्मीकि जयंती का दिन शपथ ग्रहण के लिए चुनकर एक बड़ा सियासी संदेश देने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी उपस्थित रहेंगे। वाल्मीकि जयंती के अलावा हरियाणा में बीजेपी ने अन्य संतों के योगदान को मान्यता दी है। जून 2022 में भी मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाएगा। हरियाणा में 21% के करीब दलित समुदाय हैं, जो सियासी तौर पर जाट के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में भी दलित जाट समीकरण के सहारे कांग्रेस हरियाणा के 10 में से 5 सीटें जीतने पर कामयाब रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज करने की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कांग्रेस जीतती हुई सियासी बाजी हार चुकी है और बीजेपी ने हारा हुआ चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। बीजेपी दलित ओबीसी वोटों को जोड़ने में कामयाब रही। बीजेपी ने गैर जाटलैंड के साथ साथ दलित और ओबीसी वर्गों में अपना वोट पर लगातार पकड़ बनाकर रखी है। ऐसे में बीजेपी दलित समाज को संदेश देने की कवायद में है, जिसके लिए महर्षि वाल्मीकि जयंती का दिन चुना गया है। इस तरह बीजेपी की कोशिश दलित समाज को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने की रणनीति है।